वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, हाई एंड गड़िया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सात्विक मुंगिया। आज भाई हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवाने। देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगवाते हैं, वेल्वोट्रॉनिक लगवाते हैं या क्या लगवाते हैं। बाकी मेरा मन तो ऐसा एग्जॉस्ट लगवाने का है जिसमें बेस बेस आए। बाकी अब देखते हैं आगे चल करके कि क्या लगवाते हैं, कैसा लगवाते हैं। सिलेंसर हाउस जा रहे हैं, वर्ल्ड फेमस जगह है भाई, सबको पता है एग्जॉस्ट के लिए, तो वहीं से लगवाएंगे अपना सीपी में। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या और कैसी आवाज़ आती है, मॉड्स कैसे आते हैं। भाई मैंने मेरी बात हुई थी गुरजोत दिया से, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को आवाज़ ऐसी चाहिए जिससे कि अगर मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को बिल्कुल कार मेरी साइलेंट भी हो जाए। तो देखते हैं कि ऐसी आवाज़ मिल पाती है या नहीं मिल पाती, क्या रहता है क्या नहीं रहता। चलो चलते हैं, वहीं चल करके बात करेंगे फिर, आगे बने रहिए। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं, देख रहे हो आप लोग सिलेंसर हाउस, गाड़ी अपनी लग गई है। वेल्वोट्रॉनिक का डिसाइड हुआ है हमारा जो इसमें लगना। आवाज़ देखते हैं कैसे एडजस्ट होगी। वेल्वोट्रॉनिक आवाज़ बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। जो आज हमारी गाड़ी में काम करेंगे भैया, नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम इंद्रजीत। इंद्रजीत भैया हमारी गाड़ी में काम करेंगे, अंकल हमारे ये रहे। तो अब देखते हैं क्या लगाते हैं हम, कैसी साउंड आती है। एक बारी भैया इस गाड़ी की आवाज़ सुना दो लोगों को पहले की कैसी आ रही है अभी, उसके बाद हम देखते हैं फिर आगे क्या आएगी। तो गाइस अब आप लोग आवाज़ सुन लो कैसी आ रही है। ये मेरा सिर्फ मफलर टिप लगी हुई है गाड़ी पे, एग्जॉस्ट नहीं है, सिर्फ मफलर टिप है। अब देखते हैं हम क्या चेंज आ रहा है। बिफोर साउंड है, आपने सुन लिया सबने, देखते हैं आगे क्या चेंज आता है इसमें। ये हमारी ओरिजिनल स्टॉक की फिटिंग रहने वाली है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। जितना कैमरा दिखा पा रहा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरी मफलर टिप लगी हुई है, मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ये एग्जॉस्ट नहीं है, मफलर टिप लगी हुई है इस पर, लगवाई थी ये। ये ओरिजिनल की फिटिंग रहने वाली है। अब हम देखते हैं आगे क्या लगता है इसमें। सिलेंसर हाउस में आ गए हम लोग, आपको जैसा पता ही है रेमबस का अपना एग्जॉस्ट रहने वाला है, वेल्वोट्रॉनिक, मैंने आपको बताया था। अंकल ने निकाल दिया हमारा एग्जॉस्ट, आप लोग देख सकते हैं रेमबस की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। और ये पूरी की पूरी इसकी किट है, रिमोट वगैरह है, देख लो आप, सारा सारा कुछ है इसके साथ में। अभी इसको इंस्टॉलेशन कराते हैं, इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा प्रोसेस दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या है थोड़ा प्रोसेस। एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया गाड़ी के पास में, भैया पूरी की पूरी मार्किंग कर रहे हैं किस हिसाब से कैसे बम्पर की कटिंग होएगी। बम्पर भी बिल्कुल इसका स्नक फिट के अंदर भैया काटेंगे, मार्क्स लग गए हैं। मफलर हमारा रिमूव हो चुका है, जो हमारा ओरिजिनल मफलर था वो ये रहा। मैं इस पीछे से नॉइस आ रही है माइंड मत करना, ये ओरिजिनल मफलर है मेरी गाड़ी का। ये हम भैया हम ये स्टॉक भी कर सकते हैं ना बाद में, ये बिल्कुल स्टॉक हो जाएगा बाद में, अगर हम चाहेंगे तो ये स्टॉप भी लगा सकते हैं। इसको मैं लेके जाऊंगा साथ में, तो आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पार्ट यहाँ से काट दिया है, अब एक बार भी आपको एग्जॉस्ट अभी फिनिशिंग पूरी प्रॉपरली होगी बम्पर पूरा। ये पूरा का पूरा प्रॉपरली कट चुका है अब हमारे सिलेंसर की टिप के हिसाब से। रेमेस का हमारा एग्जॉस्ट है हमारा, देखो ओरिजिनल मफलर जो था रिमूव हो चुका है। एक बार मैं भैया को बोलता हूँ कि एक बार आपको ना बिना मफलर के भी साउंड सुनाते हैं गाड़ी की कैसी आएगी। एक बार बिना मफलर के पाइप की आवाज़ सुना रहा हूँ कि कैसी आएगी। ये हमारी ऐसी आवाज़ है गाड़ी की, तो अब आगे देखते हैं कि फाइनली एग्जॉस्ट अपनी गाड़ी में लग चुका है वेल्वोट्रॉनिक रेमबस का, और हमारे साथ में गुरजोत भी आ चुके हैं। अब इसके अंदर भैया बता रहे हैं, भैया हमें अब क्या करना है, हमें जैसे आवाज़ में अभी मज़ा नहीं आ रहा है इसकी, तो इसका रेजोनेटर डिलीट करना पड़ेगा। रेजोनेटर डिलीट करना पड़ेगा, तो रेजोनेटर डिलीट करके, अच्छा हम अगर बाद में चाहें तो उसको वापस भी लगा सकते हैं रेजोनेटर को, ठीक है। एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ कि कैसी आ रही है अभी, पहले स्टॉक सुनेंगे फिर उसके बाद एग्जॉस्ट ऑन करेंगे। यह हमारी स्टॉक में स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ है। ये अब भैया वॉल ओपन करेंगे इसका,
अब हम रेजोनेटर डिलीट करने के बाद में देखते हैं कि साउंड में क्या फर्क आता है, कैसा रहता आगे आपके साथ में। जब हमारी गाड़ी फ्रंट से ऊपर चढ़ी है, क्योंकि इसके अंदर हमें रेजोनेटर रिमूव कर रहे हैं हम। इसका रेजोनेटर हम बेसिकली इसका इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है कार की। रेजोनेटर रिमूव करने के बाद में परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और अगर हमें उसके बाद भी परफॉर्मेंस कम लग रही है तो हम इसके अंदर स्ट्रेट पाइप डालेंगे। वेल्वोट्रॉनिक के अंदर हम स्ट्रेट पाइप भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आगे देखते हैं अब इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, कैसा मिलता है। आप लोग आवाज़ सुन चुके हैं अभी तक एग्जॉस्ट की कैसी आ रही है, उसके बाद में हम देखते हैं कैसी आती है। अब गाइस एग्जॉस्ट पूरा प्रॉपरली लग चुका है, जो हमारे को चाहिए थी चीज़ रेजोनेटर वगैरह डिलीट कर दिया अभी ने। बाकी गुरजोत भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया सारी चीज़। भैया बताओ आपने इसके अंदर क्या डिलीट किया, कैसे किया? इसके अंदर भी जो स्टॉक का रेजोनेटर होता है और जो पीछे रियर मफलर होता है वो डिलीट करके आगे स्ट्रेट पाइप हुआ है, और जो पीछे ये वॉल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा। ठीक है, और अगर हम इसमें नॉर्मल एग्जॉस्ट डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं? आवाज़ में कुछ फर्क वगैरह आता है वॉल्वोट्रॉनिक या उससे? वो भी डाल सकते हैं, वॉल्वोट्रॉनिक में आपको ये बेनिफिट होगा आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आप जो दूसरा डालोगे वो 24 आवर ऑन ही रहेगा, जब भी आप गाड़ी ऑन करोगे तो वो साउंड आती रहेगी। उसमें बेसिक क्रैकल जैसे आपका वैसा हो जाएगा। ठीक है। शॉट्स भी आपने देख लिया और सब कुछ देख लिया गाड़ी का, और भैया हमारे साथ में अब हम ऊपर आ गए हैं भैया के ऑफिस में। भैया थोड़ा सा ब्रीफ करो, ये एग्जॉस्ट लगाने से मेरे को किस किस चीज़ में क्या क्या फायदा होगा और जो नुकसान होंगे वो भी बताओ। मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो है कि देखो इस पर चलान तो है, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि चलान होगा ही होगा। प्लस आपके ऊपर है कि आप ऑन ऑफ वाला लगाना चाहो या बेसिक सेटअप लगाओ। ऐसा भी सेटअप हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े और आवाज़ ना हो, जिससे चलान वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें भैया वैसे क्या रहता है, उस सेटअप में क्या रहता है? उस सेटअप के अंदर होगा कि नीचे का स्ट्रेट पाइप भर देंगे, लेकिन जो पीछे मफलर होगा वो हमारा कस्टमाइज लगेगा। उसमें आवाज नहीं आएगी? उसमें आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब हमारे को खर्चा तो ऑलमोस्ट वही पड़ेगा। हाँ। जो रहता है हमारे पास भैया वेल्वोट्रॉनिक कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? जो वेल्वोट्रॉनिक की स्टार्टिंग है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाती है। ओके, और नॉर्मल एग्जॉस्ट की? नॉर्मल एग्जॉस्ट 5500 से। ठीक है, और डीजल कार्स में भी हम एग्जॉस्ट करवा सकते हैं? स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट बेस्ट है डीजल के लिए। बाकी आप सजेस्ट क्या करते हो, पेट्रोल में सजेस्ट करते हो डीजल में सजेस्ट करते हो? स्ट्रेट पाइप जो है वो डीजल के लिए बेस्ट है, पेट्रोल में करोगे तो बहुत ज्यादा आवाज होगी, तो फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। तो गाइस इसी के साथ में यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट पहले ही डाल दिया था, आई एन गड्डियों के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और आप लोग मुझे यूट्यूब पे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा। थैंक यू।